नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिनभर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार आयोजित किया। उन्होंने जनता दर्शन में आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पीड़ित की मदद और पात्र व्यक्तियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी स्तर पर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका पता लगाकर तत्काल समाधान किया जाए और यदि जानबूझकर किसी मामले को लंबित रखा गया है तो जिम्मेदारी तय कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में करीब 400 लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जमीन कब्जाने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मंत्र होना चाहिए कि मनमानी किसी की नहीं चलेगी और न्याय सबको मिलेगा। जनता दर्शन में आए कई लोगों ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल की एस्टिमेट प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर शासन को उपलब्ध कराई जाए। इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, SSP डॉक्टर गौरव गुरुवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।